अरे भाई 2024 लास्ट है इस आंदोलन में, 2024 में तो भी परिवर्तन ही हो जाएगा भारत देश को, क्योंकि 2022 ही झेल पाएंगे भाई। पर लग रहा है कि मंदिर नैया पार करते थे बीजेपी। भैया एक बात बताओ, मंदिर पे भी तो किसान ही जा रहे हैं, और मंदिर को देखो क्या असली मंदिर असली धाम तो ये बॉर्डर हो गई, ये तंबू मंदिर हो गई। हर हर देश का हर नागरिक की नज़र इन तंबू पे, क्योंकि इनका भला ना हुआ तो भाई सत्यानाश है औरों का। सच्चाई तो ये है असलियत, हर आदमी परेशान है इस सरकार से, हर आदमी त्रस्त है, और हर एक इंसान इस आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग। आपकी वाली मीडिया तो कहती है भारत बंद होता ही नहीं है, ये तो वैसे ही करते हैं। अब भाई ये मोदी मीडिया कह रहे हैं, हमारी मीडिया कौन है? हमारा तो मीडिया ही ना है, हमारा तो चलो ये जो बच्चे चला रहे हैं सोशल मीडिया, यही थोड़ी बहुत काम कर रही है, हमारे को मीडिया काम ना कर पा रही, सोशल मीडिया ही काम कर रही है, हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, मीडिया सरकार की हूँ। तो इस बार लगेगा कि भारत बंद जैसा है? भारत बंद जैसा नहीं लगेगा, भारत बंद रहेगा। अच्छा हाँ बिल्कुल रहेगा, पूरा देश बंद है, पूरा देश बंद, और इसमें हर आदमी हर नागरिक देश का जो अन्न खाता है वो अन्नदाता के साथ। सुभाष जी कमी कहाँ रहेगी आंदोलन, आखिर वजह क्या रहेगी? भाई सरकार हिटलर शाही हो जाए तो जब कमी नहीं दिखती है, सरकार का क्या है रवैया है, सरकार ये ऐसी है कि ये क्या है कि सरकार एक ऊपर से कारपोरेट के दबाव में इतनी है कि उनके खिलाफ कुछ। अब देख लो यार तुम अडानी के वहाँ पर एक पकड़ा गया है जखीरा, हीरोइन जखीरा, उस पर अगर किसी पे एक तोले भी हीरोइन मिल जाए तो उसको उम्र कैद सजा हो जा, और वहाँ पे 3000 टन के किलो मिली है, टन मिली है, वो मिलने के बाद भी अभी तक मीडिया बोली, चैनल बोला, अखबार बोला, पर कोई नहीं बोला सोशल मीडिया, किसानों नौजवान जो भूखा मर रहा वो बोला। हणलंगो स्वामी भी नहीं बोल रहे जो कहते हैं ड्रग्स दो ड्रग्स दो। अरे कोई बोलने को तैयार नहीं भाई, जब एक बात बताइए इतने बड़े जब सरकार ही उनकी है तो भाई बोल लगा कौन, सरकार कोई बीजेपी की नहीं है, जांच हो रही है की और मोदी सरकार है। जांच हो रही है कैसे पहुंची यहां तक, जांच हो रही है कह रहे हैं सरकार की, कैसे जांच, जांच सरकार की, सरकार के खिलाफ जांच होगी तो भाई जांच में निकलेगा क्या, वो तो हीरोइन की जगह कुछ और निकल आया कुछ दिन बाद में देख लिया डिब्बा गोल है, अगर होता कोई और आदमी तो उसकी स्थिति खराब हो जाती, ये इसकी कुछ नहीं होगी। हर चीज का समय हो, इंतजार करो, 10 महीने हुए हैं ना, तो 10 महीने के बाद में अब जो है ना अब आंदोलन की जो अगली प्रतिक्रिया वो शुरू हो रही है लगता है, और ये समय आएगा, समय कैसे ना होगा, मुजफ्फरनगर ना देखा हो, समय ना देखा, ये सरकार का समय आ गया यार, घंटा बाजेगा मुजफ्फरनगर में, टिकैत साहब ने घंटा बजाया है मुजफ्फरनगर में, उसका भी एक अपना उद्देश्य है। पर कई लोग तो खिलाफ हो गए, किसान जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया वहाँ पर, हर हर महादेव लगाया, ये अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा आज से नहीं है, ये 1958 से चलता था, और ये कौन से उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये नारा नहीं लग सकता, नहीं ऐसा लगता स्वाद जी आप लोग हार के हो जाए सरकार से, तुम कैसे लग रही है हार कैसे जाएंगे, किसान तुम हार से लग रहे हो, ऊर्जावान किसान है ये, अन्नदाता है ये, पेट में ना अन्न देता है, हार इसने कभी सीखी ना, ना हार है, सिंपैथी कार्ड कब तक खेलोगे, अन्नदाता अन्नदाता करते लोग तुम्हें फील कैसे लगता हो, नहीं सिंपैथी कार्ड है ना ये तो आपका, अनदाता अनदाता सबका पेट, मतलब अनदाता नहीं है ये, पर सरकार को तो नहीं फर्क पड़ रहा भाई, सरकार फर्क पड़ेगा ना, सरकार को फर्क पड़ना शुरू हुआ है, अब वैक्सीन काम शुरू करेगी ना, अब उत्तर प्रदेश में उतरी है सरकार, अब देख लेना पहले बंगाल में उतरी, अब उत्तर प्रदेश में अब दिखा देंगे, रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश, अरे क्या रिपोर्ट कार्ड है, कल देखे भाई हम भी आए, इन्होंने एक भी कुछ किसी तरीका से उत्तर प्रदेश में, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह सभा कर ली है, मुझे बता तो दो वहाँ पर आए कि इन्होंने एक भी योजना का शिलान्यास करा हो, क्या करा, कुछ नहीं करा, इनके पास कुछ सौदा नहीं है, केवल केवल झूठ का एक अडम्बा है, और वह झूठ से ही ये सरकार चल रही है, और झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है, विकास की गंगा बहरी आप कह रहे हैं कुछ नहीं, हाँ बहरी है वो विकास की गंगा ही तो है, जो इलाहाबाद में बहरी थी कोरोना काल में, वही गंगा बहरी है ना, उसी उसे गंगा कह रहे हो ना आप, यशवंत जी बड़े अच्छे सीएम रहे हैं यूपी के, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया है, हाँ अच्छा ही तो काम हुआ है ना, जनसंख्या देखो ऐसा है ना, ये आज ही अच्छा ही तो हो रहा है कि जो 10 महीने से किसान यहाँ बैठा हुआ है, नौकरी से परेशान हर आदमी, ठीक है महंगाई की मार में, और सुनिए ये किसान नहीं है जो हमारा दूसरा वर्ग है ना, जिसको हम एक मजदूर बोलते हैं, मजदूर किसान
इस सरकार से सबके सब परेशान है। और आज मजदूर की स्थिति वो हो गई है, उस पर काम नहीं, और किसान का वो काम कर दिया कि महंगाई इतनी जबरदस्त उठा दी और उनका आज तक फसल का कोई दाम नहीं। भाई हमारा चुनाव का क्या मतलब, और चुनाव लड़के बेईमान साबित तो हराओगे कैसे सरकार को? अरे ये आंदोलन देखो क्या है, चुनाव लड़के, जब देश आजाद हुआ तो उसमें कुछ चुनाव लड़ा गया था क्या? वो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने देश आजाद कराया, वो भी बिना चुनाव ही। ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये देश को किसी भी चीज कीमत पे गुलाम नहीं होने देंगे। इन्होंने तो बिल्कुल मन में बना लिया, ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का करेंगे। दस महीने से आपसे कोई काम रुका? सरकार जो कर रही है कर रही है, आपसे रुका भी तो कुछ नहीं दस महीने से। आपको लग नहीं रहा? कहाँ लग रहा है, क्या नहीं लग रहा बताओ? आप बताइए, आप देख लो, आप पूरे देश में देखिए, जहाँ पर किसान, एक सुनिए, जहाँ पर किसान पंचायत होती है ना, उन पंडालों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, यानी कि तरह खरीद कर लोग इकट्ठे नहीं होते वहाँ पर मजबूत। आज देश में ये आंदोलन है ना, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका, देश के एक एक कोने में ये आंदोलन पहुँच चुका है। क्या बात कर रहे हो आप, क्या नहीं तो देखो, कोई आदमी अगर यार एक बार चेहरे से दिखाएगा नहीं, शिकल अपनी बताएगा नहीं, मन अपने टटोलेगा नहीं, तो तुम्हें ऐसा लग रही है कि उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा? वो उनके अंदर पूछ के देखो क्या इस आंदोलन ने क्या कर दिया। इस आंदोलन ने भैयाचारा बना दिया, भाईचारा पूरे देश में। वो जो टूटा हुआ भाईचारा था, जो इन्होंने बीज बोया था, उसको बीज को खत्म करने का काम इस आंदोलन ने किया है। और सुनिए, जिस आपको थोड़ी देर पहले कह रहे थे हर हर महादेव अल्लाह अकबर, ये नारा हमारा एकता का प्रतीक है। ये किसी का हर हर महादेव अल्लाह अकबर जो बोले सोनिहाल सोनी, जो ये जो नारे हैं ना, ये हमारे अपने। लेकिन सुहाग जी, अगर संशोधन पर रास्ता निकल जाए तो दिक्कत क्या है? संशोधन भाई, संशोधन किस चीज का होगा? जब गलत है तो गलत का संशोधन क्यों, उसे खत्म करो ना, उसको खत्म कर रहे हैं, छुट्टी है भाई। गलत का संशोधन क्यों कर रहे हो? अब ये गलत हो रहा है, 3000 किलो जो हीरोइन, 9000 मतलब कितने 9000 करोड़ की हीरोइन मिल रही है, उस पर संशोधन तो होंगे, उन्हें संशोधन करेंगे, ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे भैया इंतजार करो, कार्रवाई भी होगी। हुई आज तक? क्यों हुई नहीं है? हुई आज तक, बताओ किसको हुई है? अरे भैया सुनो, इनके दोहरा आ जाते हैं तो वो बिल्कुल पवित्र, और कहीं जावे तो वे अपवित्र। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो एक नियम बना लिया, फूट डालो राज करो, ठीक है। और आज देखो ये तोड़ने का, सुनिए, नाराज क्यों? आज उत्तर प्रदेश साथ है, आपका प्रदेश नंबर वन बन गया है, भारत का एक पार्ट बन गया है, नाराज क्यों? समझ में नहीं आ रहा। नंबर वन कहाँ दिखा तुम्हें? योगी जी कह रहे हैं नंबर वन। अरे देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि डूब गया, मतलब मेरी बात तो मान रहे, योगी की बात मान रहे हो? सीएम है ना। अरे भुगत तो हम रहे हैं ना, भरत तो हम रहे हैं भैया। अच्छा। स्थिति तो हमारे ऊपर गुजर रही है ना, झूठ बोल रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है सच बोल रहे हैं? हाँ तो सच ही लग रहा है। दिखाओ सच क्या है, ये किसान यहाँ बैठा सच में बैठा है? अपराध मुक्त नहीं हुआ आपका? अपराध मुक्त नहीं हुआ? अपराध नहीं हो रहे क्या है ये बताओ ना मुझे, ये आप यूपी में रहते हैं, मुझे बता तो दो भाई, बता तो दो, यहाँ से लेके आप गोरखपुर तक पहुँच जाओ, क्या कोई जिला निकाल लो उनसे अपराध मुक्त हो गए? उसको एक रिपोर्ट आई है, उसमें देख लो कितना अपराध घटा और कितना बढ़ा, वो सब तुम्हारे संज्ञान में, कैसे अपराध मुक्त कर दो। अपराध बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, आंदोलन बढ़े हैं, मैं कह रहा हूँ घटा कुछ है ही नहीं। तुम्हें कहाँ से अच्छा लग रहा है, कहाँ नंबर वन पे? हाँ नंबर वन पे हुआ है, काहे में? भ्रष्टाचारी में, काहे में? इन सरकार के खिलाफ आंदोलन में। ये क्या है, ये काम करने के लिए नहीं आए हैं, इन्होंने काम की तो नीति इन पे है ही नहीं। इन पे नीति केवल एक है कि इनको जो है धर्म संकट में फंसाए रखो और धर्म पे अलझाए रखो और धर्म पे ही वोट लिए जाओ। अब ये नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? अब ये चलेगा, सुनिए, अब इन्हें क्या है, अब ये देश का जो नागरिक है, किसान है, मजदूर है, ये सब जाग चुका है। अब 2022 का परिणाम इन्हें बताएगा कि क्या चलेगा, वो आपके सामने भी आ जाएगा।